Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. Hi dosto, main Vikas Singh and you are watching me on E-Times TV. इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, ये सबको हैंडल कर लेते हैं, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। मेरी तरफ से तो ये है कि बस लड़की होनी चाहिए, सांस लेती हो, जिंदा हो, शादी करा दो, कि जब से हम इनको जानते हैं हमारी शादियां हो गई, हमारे बच्चे हो गए। और पाजी बस जब हमें मिलते हैं तो बोलते सब ठीक है, हम बोलते सब ठीक है, तो हम इनको देखते हैं कि ये बड़े खुश हैं। पर मैं हमेशा काम में फोकस था, काम में बिजी था, और मेरा पहली प्रायोरिटी यही थी कि मुझे काम करना है और सिंगिंग में अपना नाम बनाना है, एक अच्छा मुकाम हासिल करना है। मैं ये नहीं कहता कि शादीशुदा लोग सक्सेसफुल नहीं होते, दो तरीके के लोग सक्सेसफुल होते हैं, या तो आप शादी पहले ही कर लो टाइम सर, जैसे लोगों की छोटी एज में शादी होती है, कोई 25 साल में या कोई 22 साल में शादी कर लेता है, जो एक स्ट्रगल पीरियड होता है, जो कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उस टाइम पर अगर आप शादी करते हैं तो बहुत सक्सेसफुल रहती है। तो मेरे उसमें क्या था कि मैं थोड़ा सा जब लेट हुआ था, बिकॉज मैं चाहता था कि मुझे पहले यू नो कुछ मुकाम हासिल करना है, यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ। जब मैं पॉप सिंगर था तो मुझे था मुझे बॉलीवुड जाना है, फिर बॉलीवुड में आ गया तो बॉलीवुड में इच्छाएँ और बढ़ती गई, यार अभी पहला गाना शाहिद कपूर के साथ हुआ है, देन दूसरा डेफिनेटली अक्षय पाजी के साथ होना चाहिए, सलमान खान के साथ होना चाहिए, शाहरुख खान के साथ होना चाहिए, अमिताभ बच्चन साहब के साथ होना चाहिए, सब कुछ हो जाता, फिर लोग बोलते हैं यार वो ए आर रहमान साहब के साथ आपका गाना नहीं हुआ, डेफिनेटली उनके साथ गाना होना चाहिए। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हम कभी शेयर नहीं करते, बट यही रहा कि ऐसा ऐसा करके मुझे यूँ करना है। एंड अभी तक मैं 2000 शादियों में परफॉर्म कर चुका हूँ, और यही फोकस था कि अच्छा परफॉर्मर, अच्छा सिंगर, अच्छा राइटर, अच्छा कंपोज़र मैं बनूँ और एक अच्छा सेलिब्रिटी बनूँ। बिकॉज हम दोनों भाइयों की ख्वाहिश थी, मेरी और दिलीप जी की, जब हम लोग बॉलीवुड में आए थे तो बॉलीवुड के जो सिंगर्स होते थे वो दे वर लाइक जस्ट प्लेबैक सिंगर, रिस्पेक्ट थी, नाम नहीं था, और उनके ऊपर कोई स्टार वाला स्टेटस या ठप्पा नहीं था। फिर हम दोनों ने बहुत मेहनत करी इस काम को ऊपर लाने के लिए, तो आज की डेट में अगर आप जितने भी सिंगर्स देखेंगे, दे आर नॉट ओनली सिंगर, दे आर सेलिब्रिटीज़। तो हमारा दोनों का यही टारगेट था कि एक सिंगर को उसकी पहचान एज ए सेलिब्रिटी होनी चाहिए। तो देर वॉज अ टाइम जब सिंगर सिर्फ रियलिटी शो पे जजेस बनते थे। हमने शुरू करा कि एक सिंगर किसी कॉमेडी शो पे भी जा सकता है एज ए जज, किसी डांस शो पे भी जा सकता है एज ए जज, कहीं भी जा सकता है। तो फिर जैसे दिलीप जी का स्टाइल था पूरा अच्छे वीडियोस स्टार की तरह, जो मतलब हमने 20 साल पहले चीज़ शुरू करी, आज हर सिंगर को वो रिस्पेक्ट और वो एक मुकाम मिल रहा है, एक लेवल मिल रहा है कि दे आर नॉट ओनली सिंगर्स, दे आर सेलिब्रिटीज़। तो ये हमारी सोच थी, एंड फाइनली आज ये भी जो शो है, डेफिनेटली एक अच्छा सेलिब्रिटी चाहिए इस शो के लिए। टचवुड में मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत नाम कमाया है, शोहरत कमाई है, हिट से हिट गाने दिए हैं। सो तो पिछले 20 साल से दिलीप भाई ट्राई कर रहे थे, पूरी मेरी फैमिली ट्राई कर रही थी कि मैं शादी करूं। हर बार बेचारे रिश्ता लेके आते थे और मैं भाग जाता था, क्योंकि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना, कितना बनेगा बस कर, तो उनका बस चलता तो मेरी भाभी अभी शायद यहीं ढूंढ के किसी के साथ शादी कर देती, जैसे पंजाबी कल्चर होता है। सो मैंने उनको बोला कि यार ऐसा एक शो आ रहा है, बोलते यार चल क्या पता ऐसी तेरी बात बन जाए। तो इसलिए उनको मैं ज़्यादा बुलाते नहीं, उनको वहीं ढूंढ के उन्होंने किसी से भी शादी कर देनी। बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, आई थिंक हर इंसान, हर लड़की या लड़के की ऐसी एक ड्रीम जरूर होती है कि मेरी ऐसे शादी हो। बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है, सो आई एम द लकीस्ट वन कि मुझे ये मौका मिला है, और मेरी ज़रूरत के हिसाब से तो हो सकता है कि ऐसे ही मेरी लाइफ पार्टनर मुझे मिल जाए। डेफिनेटली देखो, जब दो चीज़ें जुड़ती हैं तो हमें मिलकर ही चलना चाहिए, और एक सक्सेसफुल जो मैरिज लाइफ तभी होती है जब दोनों एक दूसरे की बात समझ पाते हैं और सुन पाते हैं। तो जो मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि हमारा ख्याल रखें, मतलब आज की डेट में ये तो है नहीं उसने खुद कुकिंग करनी है या उन्होंने बर्तन वर्तन धोने हैं, एक हमारा कल्चर है कि जब भी हमारे घर पर कोई आता है हम उसकी एक यू नो एक कर्टेसी होती है कि उसके वेलकम करते हैं,
तो वो चीज़ें एक लड़की में ज़रूर होनी चाहिए। डेफिनेटली कोई अगर आपकी जो पार्टनर है उसकी भी फैमिली की तरफ से कोई आता है, फ्रेंड्स की तरफ से आता है, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसका वेलकम करें। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में बहुत ज़रूरी हैं। बाकी वो कोई भी स्टेट से हो, कोई भी भाषा बोलती हो, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। अभी तक मैंने उनसे नहीं करा, उन्होंने क्या कर रहा, मैं उन्होंने ही बोलना था आपको। तो बेसिकली ही इज़ ए वेरी वेरी नाइस गाय एंड बहुत ही भाइयों के भाई हैं। इंडस्ट्री में मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र हैं, लेकिन आई थिंक सबसे अगर ज़्यादा मैं क्लोज हूँ तो सलमान भाई या शाहरुख भाई दो ही लोग हैं जिनको मैं कभी कभी फ़ोन करता हूँ, मैसेज करता हूँ, देन दे ऑलवेज रिप्लाई। सो अभी उनके पास मैं जाऊँगा बताने और कि भाई मैं ऐसा कुछ आपका मैं गैंग छोड़ने जा रहा हूँ, आई एम श्योर कि आप मुझे साथ देंगे। बट वो कभी किसी को मना नहीं करते। आई थिंक उनकी कुछ अपनी एक लाइफ स्टाइल है जो इतने सालों से उन्होंने मेनटेन करा है। मे बी ही इज़ हैप्पी, मोर देन हैप्पी। मेरे साथ तीन बार ऐसा हुआ है, मैं भागा नहीं हूँ। हाँ। मेरे साथ ये है कि जब मैं पहली मेरी गर्लफ्रेंड थी तब मैं सब एक गिटारिस्ट था, स्ट्रगल कर रहा था, नॉट स्ट्रगल, आई वॉज हैप्पी विद 100 रुपीज़। मेरे को 100 रुपया मिलता था लेकिन मैं खुश था, मैं उसको कभी भी स्ट्रगल में नहीं गिनता। आई थिंक मैं उस वक्त मुझे उतना ही ज़रूरत थी, उतना मुझे भगवान दे रहे थे। और तब मैंने किसी को लाइक किया था तो दिलीप भाई ने बोला कि यार तू क्यों उससे शादी कर रही है, तुम दोनों बच्चे हो क्या, तुम्हें इतनी जल्दबाजी है, तू अपना करियर बना भाई, तू लड़की अपना कुछ काम कर। तो वो शादी में टूट गई, लेकिन उसकी शादी में मैं गया हूँ। जी, पर मैंने उसको रोका भी नहीं, क्यों मेरा मानना कि इंडियन जो कल्चर है हमें वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि भाग के शादी करो, अगेंस्ट शादी में मैं कभी भी बिलीव नहीं करता। दूसरी शादी में मेरा गाना आने वाला था, सावन लग गया, तो उसको मैंने बोला कि यार मेरे साथ शादी कर ले, मैं आने वाला बहुत बड़ा स्टार हूँ, ट्रस्ट मी, मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ और यू विल बी माई क्वीन। वो रेडी थी, उसके पेरेंट्स बोलते ऐसे ही जब कुछ बन जाएगा तब देखेंगे ना यार आने वाला क्या होता है। मैं बोल दूँ मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, थोड़ी बनूंगा, उसके पेरेंट्स बोलते। वो भी हादसे की उसकी शादी में मैं गया हूँ। तीसरी वाली में मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गया था, तो उसके पेरेंट्स बोलते यार ये बॉलीवुड वाले ऐसे ही होते हैं, बेटा तू किन चक्कर में पड़ी है, ये कभी लोग सीरियस होते नहीं। वो 2001 के आसपास है। फिर मैंने बोला यार भाई अब तो छोड़ इसको शादी वादी, अब तो सीधा पे करियर पे ध्यान दे। तो मैंने पूरा अपना सारा जो टाइम था वो पूरा म्यूज़िक पे लगाया, प्रॉपर म्यूज़िक सीखा कि गाना लिखना कैसे है, गाना कैसे है, परफॉर्म कैसे करना है। तो इसलिए पूरे 22 साल मुझे हो गए इस इंडस्ट्री में एंड आई बीन वेरी लकी। बहुत कम लोग इतना लंबा सफ़र तय कर पाते हैं और थैंक्स टू माई लवली फैंस, भगवान की बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि मैं यहाँ तक सस्टेन रहा हूँ इतने सालों तक। और अभी मुझे लगता है कि हाँ कि जो मेरी यू नो बेटर हाफ होगी वो भी ये समझे कि मुझे अपने करियर को यहीं पे सस्टेन करना है, तो वो मैं चार चांद लगाए। ऑडियंस को हमेशा एक ना एक शो चाहिए होता है। वो हम जितने भी रियलिटी शोज देखते हैं सबको पता होता है कि एंड में ऐसा होने वाला होता है, बट समवेयर ऑडियंस नहीं बनती है। तो जब मेरा गाना, मैं अपनी बात बताऊँ, मेरा पहला गाना आया था सामने लग गया, फिर मेरा गाना आया था ढिंक चिका, दोनों में बहुत अंतर है। फिर मेरा गाना आया था गणपत, पर जो सामने लग गया लाइक करता उसको गणपत नहीं अच्छा लगता। गणपत से मेरी नई ऑडियंस बनी थी जिनको शायद वो गैंगस्टर गाने, एटीट्यूड वाले गाने अच्छे लगते हैं। फिर ढिंक चिका आया, फिर सुबह होने ना दे एक अलग ही गाना आया। तो हर बार जब आप कुछ शो लेके आते हो, कोई गाना लेके आते हो, नई ऑडियंस आती है। पुरानी ऑडियंस को एक होता है कि यार मुझे तो धर्मेंद्र ही पसंद है, वो बोलेंगे हमें शाहिद कपूर नहीं अच्छा लगता, धर्मेंद्र बहुत हैंडसम है। लेकिन आज की जनरेशन को शाहिद कपूर बहुत अच्छा लगता है। फिर वो ऐसे ही जब ये नया शो आएगा या नया एक आर्टिस्ट आएगा, नया कोई कंटेस्टेंट आएंगे, लोग ज़रूर देखते हैं वो, चाहे कोई भी रियलिटी शो, चाहे बिग बॉस हो, चाहे वो सारेगामा हो, चाहे इंडियन आइडल हो, लोगों का एक नज़रिया होता है कि उनको एक एंटरटेनमेंट चाहिए एंड वो डेफिनेटली एंटरटेनमेंट तो होगा ही होगा। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे अच्छी लड़की मिले और मैं अपनी लाइफ आगे बढ़ाऊँ। बस मैं सबसे बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, आप हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स देते आए हैं। मेरा शो आ रहा है मिक्का दी वोटी, आप ज़रूर देखें और इन्जॉय करें एंड दुआ करें कि मैं अपनी यू नो अपनी होने वाली वाइफ या अपने होने वाली फ्रेंड को लेके आऊँ सामने।